कनक जी कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे हो गए, हम लोग रेडी हो गए और ये हमारे बेटे का फर्स्ट बारात है यहाँ पे। ऐसे तो ये अपने मामा के और चाचू के बारात में गया था, आज ये जा रहा है सेकंड चाचू के बारात में बारात लेके। बता ना हम, और कैसे लग रहे, सब रेडी हो चुके हैं, चलो दिखाते हैं। बारात में पहुंच गई, बताना मैं कैसी लग रही थी। और ये मेरी देवर की शादी है, फर्स्ट वेडिंग है ससुराल की तरफ से। मैं पहली बार बारात गई थी और काफ़ी मज़ा आया था। दीदी लोग भी यहाँ पे खूब मस्ती की और मैं भी उन लोग के संग खूब मस्ती की। और मेरे बच्चे देवर सब गए थे, पहले देवर डांस करना शुरू किए, उसके बाद तो लाइन लग गई डांस की और काफ़ी सारे डांस हुए यहाँ पे और काफ़ी मज़ा आया। ब्लॉग में बने रही। राजा पहुंच चुके हैं मैरिज हॉल पे, देखिए घोड़े पे सवार है, इन्हें उतारने वाला कोई नहीं और इन्हें डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। यहाँ पे हम लोग भी उनके पीछे खड़े हैं, मैं, मेरी देवरानी, भाभी वगैरह सब साथ में ही थे। काफ़ी मज़ा आया, फर्स्ट टाइम मैं बारात गई थी और काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद हम लोग स्टेज की तरफ एंट्री कर रहे हैं, जा रहे हैं जहाँ स्टेज बना हुआ है वहाँ पर, और दूल्हे की कुछ इवेंट परफॉर्मेंस सब थी वो हो रही थी, तो थोड़ा धीरे धीरे जाना पड़ रहा था। यहाँ पे मोहल्ले की आंटी भैया वगैरह सब कोई थे, तो देखिए काफ़ी मस्ती के संग दूल्हे बारात लेके हम लोग पहुँच गए थे। दूल्हे की एंट्री भी काफ़ी मज़ेदार हुई थी यहाँ पे। दुल्हन की एंट्री अब हो रही है, मेरे देवर जी का इंतज़ार हुआ ख़त्म, अब मेरी दुल्हनिया रानी जो है कि खूब मस्ती में आ रही है। यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे और ड्राई स्नो सब डाल रहे थे, इसलिए
आगे में भागा दौड़ी कर रहे थे। काफ़ी अच्छे से सब कुछ यहाँ पे हो गया है। अब देखिए हमारी दुल्हनिया रानी किस तरह से आ रही है। काफ़ी इंतज़ार के बाद यहाँ पे देखिए दुल्हन की एंट्री हो रही है। अभी तक नहीं आ पा रही क्योंकि आगे में लोग बहुत ज़्यादा मतलब कि कंजस्टेड किए हुए थे और कुछ इवेंट्स प्रोग्राम भी था, इसीलिए दुल्हनिया रानी एकदम धीरे धीरे अपने रिदम में आ रही है। और मेरे दूल्हे राजा अब जा रहे हैं, दुल्हनिया का हाथ पकड़ के लाएंगे। दुल्हनिया अकेले आने में लगता है डर रही है। तो यहाँ से देखिए मेरे दूल्हे राजा किस तरह से हाथ पकड़ के लेके मेरी देवरानी को आ रहे हैं। अरे सब लोग ताली तो बजाइए भैया, जो लोग भी फोन से फोटो खींच रहे हैं प्लीज साइड हो जाइए, सभी लोग जो लोग भी फोन से वीडियो ले रहे हैं साइड हो जाइए। अच्छा अब जो भी कार्यक्रम है सुबह जल्दी कराओ, लेट हो जाएगा। फिर वही भी साइड हो जाएगी, पीछे कोई नहीं देख पाएगी, साइड हो जाएगा आपको प्लीज। ये पानी आदत है मुझे तेरी, एक दिन जो तुझसे पागल के जैसा मैं पीऊं, कोई रुकना मुझको भावे, कोई रुकना मुझको भावे, सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना समुख पंचर ना भैया आगे आप लोग खड़े हैं, पीछे लोग बैठे हैं, देख नहीं पा रहे प्लीज साइड हो जाइए, प्लीज साइड हो जाइए, एक साइड हो जाइए, एक मतलब पीछे वाले लोग। काफ़ी अच्छे से यहाँ पे जयमाला वगैरह हो गया। हम लोग खाना पीना खा रहे थे क्योंकि हम लोग को घर निकलना था, बाबू लोग का स्कूल था, इसलिए हम लोग शादी में नहीं रुक पाएंगे। तो हम लोग चलते खा पी के घर।